अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के पिछले पाँच सालों के मोस्ट लविंग ड्रामास के बारे में बताएंगे जिनको देखने के बाद आपको इन ड्रामास से प्यार हो जाएगा और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर ऐसी बात है कि ये देखने वालों को जकड़ लेते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नंबर टेन हथेली ड्रामा सीरियल हथेली पिछले पाँच सालों के दौरान नशर होने वाला एक रोमांटिक सीरियल है हथेली एक नौजवान लड़की जेब के गर्द घूमती है जो इरफान से प्यार करती है और अपनी पसंद के मुताबिक उससे शादी कर लेती है हालांकि उसके भाई और भाभी इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं गुस्से के आलम में उनकी शादी के, के चंद दिन बाद इरफान ने जेब को ज़ुबानी तौर पर तलाक दे दी जब उसे पता चला कि वह उसके माजी के बारे में जानने की कोशिश करती है उसकी बहन मोना ने एक ईसाई से शादी की थी और घर से भाग गई थी जेब ने इरफान से दोबारा शादी करने के लिए निकाह हलला के लिए सलमान से शादी की सलमान ने जेब को तलाक देने से इनकार कर दिया दूसरी तरफ सामिया जो इरफान को पसंद करती है चलाकी से उससे शादी कर लेती है सामिया हामिला हो जाती है और इरफान फिर से उसे कबूल करने से इनकारी हो जाता है नंबर नाइन सनम ड्रामा सीरियल सनम एक बेस्ट ड्रामा है ड्रामे में दिखाया गया है कि रोज रोज के लड़ाई झगड़े और घर के खराब माहौल में परवान चढ़ने वाली औलाद अपने अंदर बेशुमार महरूमियों और खामियों के समुद्र को समेटे होती है वाले की तरफ से मिलने वाली नाकदरी उनकी शख्सियत में खालीपन की कई दरारें छोड़ देती है जिनको भरने की नाकाम कोशिश में औलाद सारी जिंदगी खबार होती है जहनी इंतशार से मुतासर एक नामुकम्मल शख्सियत की अक्सी करता एक अहम किरदार है आयला हरीम फारूकी जो कि ड्रामा सीरियल सनम का बुनियादी बुनियादीफान है आयला यानी कि हरीम फारूक एक बहुत बोर्ज लड़की है अपनी पसंद से हारब यानी उस्मान खालिद भट्ट से शादी के बंधन में बंद कर काफ़ी खुश है मगर यह ख़ुशी शादी की पहली रात ही बेयकीनी में तब्दील हो जाती है जब हारिब का जिगरी दोस्त शहरोज यानी यानि इम्दरफानी उसे हारिब की सबका महबूबा सारा के बारे में बताता है सारा को लेकर आयला का शक रोज़ बरोज बढ़ता जाता है जिससे आयला और हारिब की नई शादीशुदा शुदा ज़िंदगी बेानतहा मुतासर होती है नंबर एट तेरे बिना मैं नहीं तेरे बिना मैं नहीं ए आर वाई का सीरियल है ड्रामा अपने नाम से जितना रोमांटिक लग रहा है उतना है नहीं जिंदगी की तलाकियाँ जाब जा वजनी मुकालमो और रवैयों में मौजूद हैं पहली किस्त में हल्का फुल्का मसनू सा रुमान है जो कम अज कम एक मेचोर हीरोइन को सूट नहीं करता जो अपने करियर के हरूज पर हो क्योंकि उसका मिजाज बदल चुका होता है वो चाह कर भी ऐसे रोमानवी पन में नहीं ढल पाती जो उसके रुमान की अलग अदा हो सकती है मगर ऐसी फिजा नहीं होती ड्रामे में तीन लड़कियों की जिंदगी सवाल बनी हुई है ड्रामे में लड़कियों को मौजू बनाया गया है जो करियर वेमन बनना चाहती हैं और तलीम के बाद मुलाजमत करके अपनी शनाख्त और पहचान बनाना चाहती हैं ये तीन खवतान अपनी ज़िंदगी एक खुद मुख्तार औरत की तरह अहमाद से जीना चाहती हैं ये तीन खातन अपनी जरूरियात के लिए शहर के साय में नहीं खड़ी होती जिनको शहरदारी वाले रवैये से ठेस पहुँचती है नंबर सेवन दिलाआवज़ ड्रामा दिलाआवेज़ एक रोमांटिक सीरियल है इस ड्रामे में आप अपनों में रह भी अजनबी किरदार की दिल छू लेने वाली कहानी देखेंगे ड्रामे को मदीहा शाहिद ने लिखा है जबकि इसके हिदायतकार मजहर मिन है ड्रामे के अहम किरदारों में किन्जा हाशमी अफ़ान वहीद सीमी राहिल काशिफ महमूद फज़ीला काजी जवेया आबासी फरहान अली आगर रही आयशा गुल यासर रिजवी जनान हुसैन सैफी हसन कुत्सियाली और रजा साहद शामिल हैं ये ड्रामा वफादारियों और ख़ुद कुर्बानियों के दरम्यान एक नौजवान लड़की के सफ़र की कहानी है वो लड़की जब बात के होते हुए यतीमों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है जब उसको उसका प्यार मिलता है तो उस डर से उसको अपनाते नहीं कि लोग समझेंगे वो अपनी माँ जैसी है जो किसी की खातिर उसे छोड़ गई थी नंबर सिक्स परीजात परिजात ने हम टीवी के ड्रामास का रिकॉर्ड ब्रेक किया है ये एक बड़ी कामयाबी है ऐसे सीरियल के लिए जिसकी कहानी रवायती नहीं थी ऐसा ड्रामा है जिसमें हमारे माशरे के उन पहलुओं और अफराद की जात की अक्सी की गई है हमारे इर्द गिर्द के लोग आसानी से कबूल नहीं करते जैसा कि इस इस्टामे का मरकजी किरदार फरिजाद जहमद अली निभा रहे हैं फरिजाद एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसे रंग काला होने की वजह से यह मुआरा कबूल नहीं करता उसे जिंदगी के हर कदम पर धुतकारा जा रहा है फरिजाद के किरदार के अलावा अहमद अली की अदाकारी को भी लोगों ने बेहद पसंद किया लोगों का कहना है कि जिस बरी की महारत और खूबसूरती से अहमद अली ने इस किरदार को निभाया है वो मुनफरिद और अपने मिसाल आप है नंबर फाइव गुड्डू ड्रामा सीरियल गुड्डू 2022 की बेस्ट स्टोरी है बेयकीनी और शक दो अनासर है जो किसी भी मोहब्बत भरे रिश्ते की बुनियाद में खलल डालने के पाबंद होते हैं गुड्डू कुछ रिश्तों की कहानी है जो शक की आग से भड़कते हैं नायाब एक नौजवान औरत है जो अपने बेटे गुड्डू के साथ मिलकर एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है अपने शहरबाद से दूर रहने के बावजूद नायाब ने कभी किसी तकलीफ़ की शिकायत नहीं की अपने ससुराल के साथ हम में रहते हुए नायाब अपनी भाभी सिद्रा के करीब है और दोनों में मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है इबाद की जल्द आमद पूरे घर वालों के लिए खुशी की एक नई लहर लेकर आती है जबकि नायाब के लिए गैर यकीनी मुश्किल पैदा हो जाती है एक सूरत हाल पर काबू पाने में सिद्रा की मदद करने की कोशिशों में नायाब की सादा तबीयत और नायाब में इबाद का अदम अदमाद बदकिसमती से बुरे हालात का बायस बनता है जैसे जैसे उनके ताल्लुत कमज़ोर होने लगते हैं और उनके करीबी लोग भी गायब हो जाते हैं नायाब और इबाद के दरमियान बढ़ते हुए अख्तलाफात के दरमियान गुड्डू का मुस्तबिल इंतहाई खौफनाक होता है नंबर फोर मेरे दामाद ड्रामा सीरियल मेरे दामाद इंडिया में मकबूल होने वाला एक शानदार सीरियल है आप देखेंगे कि सजेला मिर्जा एक वकील हैं और पसंद की शादी के शदीद खिलाफ हैं उन्होंने अपनी दो बेटियों की शादी अपनी ही पसंद से की और उनका ख्याल है कि घर में एक भी दमाद नामनासिब निकल आए तो घर ख़राब हो जाता है चूंकि उनका अपना कोई बेटा नहीं लिहाजा उनकी सोच महदूद है इस महदूद जहनीत को वो वकील होकर भी ना बदल सकें और ना समझ सकें और दोनों लालची अब किरदार मर्दों का इंतबाव अपनी बेटियों के लिए कर लिया एक दमात फरहान का किरदार तो सबको दिखाई दे रहा है और दूसरे दमाद दमाद का किरदार अब खुला है कि वो भी सजीला के घर पर नज़र लगाए बैठा है कि बहुत मौके की जगह है इसे यहाँ प्लाजा बनाना है उसने इस मंजिल तक पहुँचने के लिए दमादी का एक लंबा सफर तय करके सजीला की कमजोरियों को समझा है उनका सहारा लेकर वो अपने भाई दानिश की शादी अपनी साली महनूर से करना चाहता है मंगनी भी हो गई है जबकि महनूर ने अपने क्लास फेलो से कोर्ट मैरिज कर रखी है अब महनूर का शहर उसके मुतालबे के बावजूद उसे तलाक नहीं देना चाहता महनूर की बहनों को भी इस बात का इलम हो गया है कि वो शादीशुदा है इमाद ने जहेज की मद में सास के दिए पैसे भी खुद रख लिए हैं बीवी को भी यही कहा कि शादी की शॉपिंग और जहेज इमाद की जिम्मेदारी है नंबर थ्री मासूम ड्रामा सीरियल मासूम ने एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर ऑन एयर होते ही धूम मचा दी ये सीरियल सैट टीन के लिए ही है ड्रामे की कहानी डायरेक्शन और फनकारों की जानदार अदाकारी को नाजरीन ने खूब से रहा और इस हवाले से मसूल होने वाले मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं के पैगाम की तादाद रातों रात लाखों में पहुंच गई बॉलीवुड के अजीम राइटर और शायर गुलजार की कई बर्स कबल बनने वाली फिल्म मासूम को ड्रामाई अंदाज में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मरूफ हिदायतकार शहजाद रफीक ने बनाया

और किसी वजह से दुल्हा या दुल्हन में से कोई एक निकाह के वक्त गायब हो जाए तो मेहमानों के होते हुए ही निकाह करना इंतहा जरूरी है बेशक वो किसी से भी हो दो हजार सत्रह में लगने वाला ड्रामा सीरियल खुदगर से लेकर आज कल के बहुत सारे मकबूल ड्रामों में ऐसा दिखाया गया है हाल ही में बेटिया में फिजा दानिश की शादी इसी तरह से हुई और मेरी दबाद में वानिया और दानिश का निकाह भी मुझे प्यार हुआ था हमें जिस तरह से ये जबरदस्ती का निकाह दिखाया गया इसे देखकर दुख कम और हंसी ज्यादा आई ये सब बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था अरीब किसी और से फोन लेकर भी माहिर को बता सकता था कि ना आने की वजह क्या है जब निकाह से पहले फोन किया तो माहिर की दोस्त को वजह ना बताई यहाँ तक कि निकाह का सुनकर ज्यादा हैरानी भी नहीं हुई अच्छे खासे पाकिस्तानी ड्रामे लिखने वालों ने निकाह का जैसे मजाक बनाकर रख दिया है इसकी मिसाल नहीं मिलती अगर ये जबरदस्ती का निकाह करवाना ही था तो अरीब और उसके सारे खानदान का एक्सीडेंट करवा देते ताकि कोई वजह तो समझ आती वैसे ये है अजीब ही जिद कि सब इकट्ठे हो गए हैं तो निकाह होकर ही रहेगा अब वो जिससे मर्जी हो खैर इस वजह से ये ड्रामा टॉप डिस्कशन में आ गया है नंबर वन मेरे हम सफर मेरे हम सफर दो हज़ार बाईस यादगार रोमानी पाकिस्तानी ड्रामों में से एक है फरहान सईद और की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने तमाम नाजरीन को मसहूर कर दिया उन्होंने ड्रामे में हमजा और हाला के किरदार पेश किए हमज़ा और हाला कजन थे जिनके इतफाक से शादी हो गई हाला एक मजलूम नौजवान लड़की थी जो अपने चचा के घर रहती थी हमजा उसका कजन था जिसने उसका साथ दिया और हमेशा उसकी हिफाजत की शादी के बाद दोनों में मोहब्बत हो गई और हमजा हमेशा अपनी बीवी की हमायत में खड़ा रहा हमजा ज़मीन पर मौजूद कामिल इंसान का आइकन बन गया इनका रोमानवी ताल्लुक पाकिस्तान के साथ साथ सरहदों के पार भी मशहूर हुआ मेरे हमसफर ड्रामे के शायकीन खूबसूरत जोड़े की तारीफ करने से ना रुक सके तो ये था हमारा आज का काउंट जो कि मोस्ट नविंग ड्रामाज पर मुबनी था मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा